मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मल्ली है। वो गाना गाते हुए लेडीज कोर्ट के हाथों में मेहंदी की डिजाइन बना रही थी। मल्ली की आवाज बहुत ही प्यारी थी और वो खूबसूरत डिजाइन भी बना लेती थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि स्कॉट हिरनों का शिकार करके वापस आता है, लेडी स्कॉट उससे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद स्कॉट अपने आदमी को कहकर मल्ली के माँ बाप को 2 सिक्के दे देता है। मल्ली के माँ बाप को लगता है उन लोगों ने मल्ली के काम को देखकर उनको ये पैसे दिए हैं, लेकिन वो लोग जबरदस्ती मल्ली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। और जब मल्ली की माँ उसको रोकने की कोशिश करती है, तब एक अंग्रेजी सिपाही उस पर बंदूक तान देता है। इस पर स्कॉट कहता है कि इस बंदूक में डली गोली इंग्लैंड में बनकर 7 समुंदर पार करके यहाँ आई है। इसकी कीमत इन जंगलियों की जान से ज्यादा है। जिसके बाद वो सिपाही पास में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मल्ली की माँ के सर पर वार कर देता है और बेचारी वहीं पर मर जाती है। फिर हम पुराने समय में दिल्ली का एक सीन देखते हैं जहाँ बहुत से लोग लाला राजपत राय के गिरफ्तार होने की वजह से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहीं पर हमारे मूवी के पहले स्टार की एंट्री होती है, जिसका नाम अल्लूरी रामा राजू को देखते हैं, जो कि ब्रिटिश पुलिस में एक ऑफिसर था। फिर जब एक प्रोटेस्ट कर रहा व्यक्ति पत्थर फेंकता है, वो पत्थर ब्रिटिश किंग जॉर्ज के फोटो पर लग जाता है, जिस वजह से ब्रिटिश कमांडर काफी गुस्से में आ जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ उस आदमी को पकड़ कर लाओ। लेकिन भीड़ को देखकर वहाँ खड़े कोई भी सैनिक वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन राम एक लठ लेकर उस भीड़ में बिना सोचे ही कूद जाता है और राम पूरी भीड़ से अकेले ही भिड़ जाता है। भीड़ के सारे लोग राम पर टूट पड़ते हैं और उस आदमी को बचाने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन राम अपने डंडे से उन्हें खूब मारता है और उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। उसकी हिम्मत और ताकत को देखने के बाद वहाँ खड़े सारे लोग डरकर वहाँ से चले जाते हैं और वो ब्रिटिश कमांडर भी राम के इस जज्बे को देखकर उससे काफी प्रभावित होता है। बहुत समय बीतने के बाद दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस वालों को अपनी सेवा देने के लिए उन्हें प्रमोशन और मेडल्स मिल रहे थे, लेकिन वो लोग जब राम को कोई भी पोजीशन नहीं देते तो राम इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता है। फिर एक दिन निजाम का खास आदमी एडवर्ड से मिलने आता है। वो बताता है कि हाल ही में जब स्कॉट सर अदिलाबाद आए थे, उन्होंने अपने साथ एक बच्ची को ले गए थे, इसलिए नवाब साहब चाहते हैं कि आप उस बच्ची को वापस लौटा दो। इस पर एडवर्ड बोलता है तो क्या हुआ, हमने तो उसकी कीमत भी अदा की है। वो बताता है कि सर वो लोग भोले भाले भेड़ों की तरह हैं, हर जुर्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनके झुंड का एक भी मेमना खो जाता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों का एक गडरिया होता है जो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि वो गडरिया अब दिल्ली पहुँच चुका है और वो उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए उसकी जान भी चली जाए। इसके बाद एडवर्ड अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाकर उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। लेडी स्कॉट कहती है कि जो कोई भी उस आदमी को पकड़ कर लाएगा, मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। तब राम वहाँ पर आकर कहता है, आपको वो आदमी जिंदा चाहिए या मुर्दा। फिर हम दिल्ली से दूर एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ मूवी के सेकेंड कैरेक्टर कुमारम भीम को देखते हैं। वो अपने ऊपर खून को डालकर भेड़िए का चारा बन रहा था, लेकिन वहाँ भेड़िए की जगह शेर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसके बाद वो शेर को बेहोश करके उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि भीम एक मुसलमान का रूप लेकर वहाँ से निकलता है और एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप में काम करता है। भीम एक गैर मुसलमान था, लेकिन फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुसलमान बनकर वहाँ रह रहा था ताकि कोई उसे पहचान न पाए और वो मल्ली को खोज सके। यहाँ राम कुछ क्रांतिकारियों के बीच जाता है ताकि उसे उस आदमी के बारे में पता चले। तभी वहाँ पर लच्छू उनके पास आता है और वो राम से मदद मांगता है और कहता है कि क्या आप मेरे भाई से मिलने चलोगे, हमें आपकी सलाह की काफी जरूरत है। राम इस पर राजी हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ राम अपना कार्ड दिखाकर पुलिस वालों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ एक सिपाही राम को सैल्यूट मार देता है, जिससे लच्छू समझ जाता है कि राम भी पुलिस वाला है, इसलिए फिर लच्छू वहाँ से भाग जाता है। राम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। राम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वहीं नीचे नदी के किनारे भीम एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे देता है। और तभी वहाँ ब्रिज से जा रही
पेट्रोल से भरी एक ट्रेन में आग लग जाती है और उन डब्बों में ब्लास्ट होने की वजह से वो डिब्बे नीचे गिरने लगते हैं जहां वो बच्चा मछली पकड़ रहा था। जब राम और भीम की नजर उस बच्चे पर पड़ती है वो दोनों उसे बचाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। फिर राम यहाँ भीम को इशारे करता है कि ऊपर आकर मेरी मदद करो। फिर वो दोनों कमर पर रस्सी बांधकर नदी पर छलांग लगा देते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं, जिसके बाद भीम और राम की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। भीम राम को अपने घर लेकर जाता है जहां वो अपने घर वालों से मिलाने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाता है। फिर एक दिन भीम का साथी महल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके पास बिल्ला नहीं होता इसलिए वहां का सैनिक उसे मारने लगता है। तब जैनी आकर उसे बचाती है। ये देखकर भीम समझ जाता है कि लड़की दिल की बहुत अच्छी है और ये उसे महल में अंदर जाने के लिए मदद कर सकती है। फिर एक दिन राम और भीम महल के पास खड़े होते हैं, तभी वहां से जैनी निकलती है। भीम यहां जैनी से बात करना चाहता था, फिर राम उसकी मदद करते हुए उसे कहता है कि तुम मोटरसाइकिल आगे लेकर चलो। वो लोग जैनी के आगे आगे चलते हैं और राम रास्ते में कील फेंक देता है जिससे जैनी की गाड़ी वहीं पर पंक्चर हो जाती है और फिर वो उन दोनों के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। भीम उससे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन राम को यहाँ इंग्लिश आती थी इसलिए वो जैनी से बात करके उसे भीम के साथ भेज देता है। जैनी उसे लेकर मार्केट जाती है जहाँ वो मौली के लिए कुछ कपड़े और जेवर खरीदने आई थी। ये जानने के बाद भीम समझ जाता है कि वो मौली की बात कर रही है, इसलिए वो उसके लिए एक कड़ा बनाता है और जैनी को दे देता है और कहता है कि ये उसे मेरी तरफ से दे देना, उसे ये जरूर पसंद आएगा। और तभी वहाँ कुछ सैनिक आकर जेनिफर को वहाँ से ले जाते हैं। जेनी वहाँ से जाते जाते राम को एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड दे जाती है। भीम उस कार्ड को राम को दिखाता है। राम बताता है कि ये पार्टी आज ही है और अभी है। फिर वो भीम को तैयार करके उस पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मल्ली उस कड़े को देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो लोग जब पार्टी में पहुंचते हैं तो जैनी उनको देखकर काफी खुश होती है, लेकिन वहाँ कुछ अंग्रेज भीम के डांस को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद राम और भीम दोनों मिलकर जब अपना देसी डांस दिखाते हैं तो उन लड़कों के तो फ्यूज ही उड़ जाते हैं। वो अंग्रेज उनके ही डांस में उनको हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे थक कर हार मान जाते हैं और यहाँ भीम आखिरी तक डांस करता रहता है। फिर राम भीम को कंधे पर उठाकर घर ले जा रहा था क्योंकि भीम के पैरों में अब दर्द हो रहा था। तभी जैनी वहाँ पीछे से आकर भीम को अपने साथ महल पर कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ जाने का इंतजार भीम काफी दिनों से कर रहा था। वो वहाँ जाने के बाद वहाँ की चीजों को बड़े गौर से देखता है, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर भीम को मारकर भगाने लगता है, जिसके बाद जैनी उसे बताती है कि ये मेरा दोस्त है इसलिए फिर वो उसे छोड़ देता है। जैनी उस सैनिक के बर्ताव के लिए भीम से माफी मांगती है। वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे तभी भीम को मल्ली की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जैनी से कहता है कि मुझे क्या कुछ खाने को मिल सकता है, जिसके बाद जैनी उसके लिए खाना लाने चले जाती है और मौका मिलते ही भीम मल्ली को खोजने चले जाता है और वो देखता है कि उन्होंने मल्ली को एक जेल में बंद करके रखा है। मल्ली भीम को देखकर रोने लगती है और उसे वहां से ले जाने के लिए कहती है। भीम कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा पाऊंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए बाद में आऊंगा, लेकिन मल्ली कहती है नहीं मुझे अभी ही लेकर चलो। फिर भीम उसके लिए गाना गाता है और उसे समझाकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सीता जो राम की मंगेतर है उससे गांव वाले आकर पूछते हैं क्या राम की कोई खबर आई, वो हमसे काफी सारे वादे करके गया है, कम से कम उसे तुम्हारी तो परवाह होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि राम लच्छू को पकड़कर बहुत मारता है ताकि वो उसे भीम के बारे में बता सके, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटता, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने भाई के बारे में तुमको नहीं बताऊंगा। फिर राम जब वहां से जाता है वहां पर एक सांप आ जाता है जिसे लच्छू पकड़ लेता है। दोबारा जब राम वापस आता है लच्छू वो सांप को उसके ऊपर फेंक देता है, वो सांप उसे काट लेता है। लच्छू कहता है इस सांप के जहर का इलाज तो ब्रिटिशर्स के पास भी नहीं है, तुम एक घंटे में मर जाओगे, जिसके बाद राम लच्छू की रस्सी को काट देता है और फिर भीम की तरफ निकल जाता है। भीम यहाँ अपने आदमियों के साथ मल्ली को छुड़ाने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को उस हालत में देखता है फिर वो अपनी जड़ी बूटियों से उसे ठीक करने लगता है और इसी दौरान राम को पता चल जाता है कि भीम एक हिंदू है। फिर भीम भी अपना रक्षा मंत्र राम को पहना देता है। फिर वो राम को अपनी असलियत बताता है कि मैं यहाँ पर मल्ली को लेने आया हूँ। वो बताता है कि ब्रिटिश स्कॉट ने उसके गांव की एक बच्ची को लेकर आ गए हैं
और अब मुझे उससे छुड़ाने का काम मिला है। मैं तुमसे मिलने सुबह वापस आऊंगा, लेकिन इसमें अगर मेरी जान चली जाती है तो जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो होगी ही। फिर भीम एक ट्रक को लेकर अंग्रेजों के पैलेस में घुस जाता है, जहाँ स्कॉट के आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वो ट्रक से पैलेस के दरवाजे को तोड़ते हुए पैलेस के अंदर चला जाता है और ट्रक में कैद सारे जंगली जानवरों को खोलकर उन पर हमला कर देता है। वो सारे जानवर वहाँ खड़े सारे लोगों पर हमला करने लगते हैं। भीम भी वहाँ अंग्रेजी सोल्जर्स को बहुत मारता है, लेकिन एक सैनिक स्कॉट के परिवार को महल के अंदर बंद कर देता है और चाबी अपने हाथों में रख लेता है। फिर भीम उसे मारकर उस चाबी को ले लेता है और महल के दरवाजे को खोलने ही वाला था, तभी राम एक रथ में आकर वहाँ आ जाता है और भीम को सरेंडर करने के लिए कहता है। भीम उससे कहता है कि हम दोनों भाई के जैसे हैं, मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने मेरी बच्ची को किडनैप करके रखा है। राम भीम को बहुत मारता है। पहले तो भीम दोस्ती के नाते राम से बहुत मार खाता है, फिर उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वो उसे बहुत मारता है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। फिर भीम पैलेस के छत पर चढ़ जाता है और राम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन भीम एक नुकीले हथियार से राम के सीने पर वार कर देता है। और इसके बाद वो मल्ली को लेने के लिए नीचे कूदने वाला था, तभी राम रक्षा मंत्र से उसे बांधकर पकड़ लेता है और कहता है कि सरेंडर कर दो भीम, वरना मल्ली मारी जाएगी। जिसके बाद वहाँ के गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और उसे हथियारों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ राम के पिता वेंकटा रामाराजू भी अंग्रेजों की सेना में थे, लेकिन वो पुलिस द्वारा हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करते हुए देखकर वो नौकरी छोड़ देते हैं और अपने गाँव वालों को सिपाही बनाने का फैसला करते हैं, ताकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन वहाँ उनके पास सिर्फ एक ही गन होती है। जब राम के पिता रात में सो रहे थे, तब सीता उनकी बंदूक लेकर राम को दे देती है और राम को निशाना लगाने के लिए कहती है। अगले दिन जब वो राम के निशाने को देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद एक अंग्रेजी सैनिक की टुकड़ी राम के पिता को पकड़ने आती है, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वो अंग्रेज के सिपाही पूरे गांव वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कई गांव वाले भी मारे जाते हैं। वेंकटा अकेले ही उन सभी से निपट रहा था, लेकिन एक गोली वेंकटा के उंगली पर लग जाती है। फिर वो सैनिक राम के भाई और उसकी माँ को भी मार देते हैं, जिसके बाद वेंकटा राम को गोली चलाने के लिए कहता है। फिर राम एक के बाद एक बहुत से सोल्जर्स को मार गिराता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ और भी सैनिक आ जाते हैं, जिस पर वेंकटा कहता है कि बेटा तुमने देखा कि एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को मार सकती है, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि हर हाथों में एक हथियार होगा। इसके बाद वो अपनी बॉडी में बम लगाकर उन सैनिकों के बीच चला जाता है और राम को शूट करने के लिए कहता है, और शूट करते ही वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ सारे सैनिक मर जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं, जहाँ लेडी स्कॉट कहती है कि मैं भीम को लथपथ देखना चाहती हूँ और उससे घुटने टेक कर माफी मंगवाना चाहती हूँ, ताकि कोई भी हिंदुस्तानी दोबारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत करने की कोशिश न करे। राम भीम को ले जाकर बीच बाजार में बहुत मारता है, लेकिन वो इस दर्द को सहने के लिए गाने गा रहा था और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर लेडी स्कॉट राम को एक कील लगा हुआ चाबुक देती है और कहती है कि मुझे उसके खून से बनी हुई नदी देखनी है। राम भीम को घुटने टेकने के लिए कहता है। भीम को मार खाते और गाना गाते हुए देख वहाँ खड़ी भीड़ को अब काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन सैनिकों पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद राम भीम को बचाकर एक वैन में बैठा देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर रात में राम उसी जगह पर वापस जाता है जहाँ पर भीम का खून गिरा था, और तभी राम के चाचा वेंकट वहाँ आते हैं, जो अंग्रेजों के सैनिक दल में थे और वहाँ की सारी खबरें वो उन लोगों तक पहुँचाया करते थे। वो बताते हैं कि इस बार बंदूकों की कंसाइनमेंट के लिए तुम्हें चुना गया है, लेकिन राम कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि परसों सुबह भीम की फांसी है, मुझे अब उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, तुमने जो अपने पिता को वादा किया है तुम उस पर ध्यान दो, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन राम सारे बंदूकों को खराब कर देता है जो भीम के फांसी के दौरान सैनिकों को देने वाले हैं, और जब वो लोग भीम को लेकर जा रहे थे तब राम के चाचा भीम को एक ब्लेड दे देते हैं। फिर राम और गवर्नर अपनी गाड़ियों में बैठकर फांसी वाली जगह पर निकल जाते हैं।
लेकिन स्कॉट को यह एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो राम की कार पर फायर कर देते हैं, जिससे राम के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पीठ पर एक नुकीली लकड़ी घुस जाती है। लेकिन वो किसी भी तरह संभालते हुए उन सैनिकों से मल्ली को बचा लेता है और यहाँ भीम भी अपनी रस्सियों को काट कर उन सिपाहियों को बहुत मारता है। सैनिकों के बंदूकों में गोली नहीं होने की वजह से वो लोग कमजोर पड़ गए थे। तभी वहाँ एक सैनिक बंदूक में दूसरी गोली डालकर फायर करने वाला होता है, लेकिन राम उसे पहले ही मार देता है और भीम यहाँ राम को मारकर मल्ली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। स्कॉट के आदमी भीम के साथ साथ उसके अम्मी अब्बू और पूरी फैमिली की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें अंग्रेजों से बचने के लिए हर दिन जगह बदलनी पड़ रही थी। फिर एक दिन वो लोग सीता के गांव पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पुलिस चेकिंग के लिए आती है तो सीता कहती है कि साहब हमारी मदद करो, हम सबको चेचक हो गया है। वो लोग इन्फेक्टेड होने की डर से वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद भीम सीता को शुक्रिया कहता है और सीता बताती है कि मेरा मंगेतर भी अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करता है, लेकिन वो किसी मकसद से वहाँ है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त की मदद की थी और अब कल उनको फांसी मिलने वाली है। अंग्रेजों ने मुझे एक खत लिखकर भेजा है कि मुझे 2 दिन बाद उनकी लाश को लेने जाना है। जिसके बाद भीम सीता के गले में वैसा ही लॉकेट देखता है जैसा राम के गले में भी था। वो समझ जाता है कि ये राम की ही मंगेतर है। सीता भीम को राम के पूरे मकसद और उसके बलिदानों के बारे में भी बताती है, जिसके बाद भीम सीता से माफी मांगता है और कहता है कि जो अनाज आपने इस भूखे को खिलाया है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं राम को सीता से दोबारा फिर मिलाऊंगा। फिर भीम जैनी की मदद से उस जेल में पहुंच जाता है जहां पर राम को कैद किया गया था। भीम उस बंकर के दरवाजे को तोड़कर राम को बाहर निकाल लेता है, लेकिन यहां राम अब चल नहीं पा रहा था, इसलिए भीम उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है। और यहाँ पर हमें बहुत जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। राम के पैर तो नहीं चल रहे थे, लेकिन वो भीम के कंधे पर बैठकर बहुत अच्छे से फाइट करता है। वो लोग एक टावर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाते हैं। यहाँ स्कॉट काफी गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड से कहता है तुम सारे सैनिक लेकर जाओ और उन लोगों को खत्म कर दो। भीम राम को जंगलों के बीच एक मंदिर के पास लेकर जाता है और वहाँ जड़ी बूटियों से उसका इलाज करता है। वहाँ झंडे पर लगे कपड़ों को वो राम को पहना देता है और वहाँ रखे तीर कमान को लेकर राम को दे देता है। और जब भीम पानी पीने के लिए जाता है तभी वहाँ एक सैनिक उसे शूट करने वाला था, तभी राम तीरों से उस सैनिक को मार देता है। राम तीरों से अंग्रेजी सैनिकों पर हमला कर देता है और वो उनके बहुत से सैनिकों को जला देता है। यहाँ हम भीम को देखते हैं जो भाले को लेकर सभी आ रहे सैनिकों को मारता जा रहा था। फिर वो मोटरसाइकिल को उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है, फिर भाले से एडवर्ड को मार देता है। इसके बाद राम भीम से कहता है इन प्यादों को छोड़ो, अगर तुम्हें महासुर का वध करना है तो मेरे साथ आओ। फिर राम घोड़े पर और भीम एक बाइक पर स्कॉट की तरफ बढ़ जाते हैं। भीम अपनी बाइक को महल की तरफ छोड़ देता है और राम यहाँ उसकी टैंक पर तीर मारकर आग लगा देता है और वो बाइक सीधा हथियारों के गोडाउन में एंटर हो जाती है, जिससे वहाँ पूरी बिल्डिंग धमाके की वजह से टूट जाती है। फिर भीम वहाँ जल्दी से जाकर कुछ हथियारों को जमा करने लगता है और यहाँ स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके बहुत से सैनिक भी मारे गए हैं। भीम यहाँ बहुत सारे हथियारों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि अब हर हाथों में हथियार होंगे, जो कि राम के पिता का सपना था। फिर राम स्कॉट से कहता है कि इंग्लैंड में बनी और 7 समुंदर पार करके आई ये बुलेट किसी देसी की जान से बहुत ज्यादा है, तुम इस कीमती बुलेट को कैसे बर्बाद कर सकते हो। और वो भीम को कहता है कि इसकी बुलेट इसी को लौटा दो और भीम स्कॉट को शूट करके मार देता है। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि राम हथियारों से भरे हुए ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और जैनी भी भीम के साथ आ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली आने वाली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।